दोस्तों फाइनली Redmi Go इंडिया में लॉन्च हो चुका है। सो इस वीडियो में हम इसी फ़ोन के बारे में बात करेंगे, क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन, क्या है इसकी प्राइसिंग और क्या ये फ़ोन आपको लेना चाहिए कि नहीं, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों अगर मैं Redmi Go के स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इस फोन में आपको 5 इंच का डिस्प्ले मिलता है, एक HD डिस्प्ले मिलेगा जिसका रेजोल्यूशन है 720p। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं इसके रैम की तो इसमें आपको 1 GB का रैम और 8 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने मिल जाएगा। और अगर मैं इसके कैमरा की बात करूं तो कैमरा इसमें आपको जो बैक कैमरा है 8 MP प्लस LED फ्लैश आपको इस फोन में देखने मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आपको 5 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है और सेल्फी कैमरा काफ़ी अच्छा है इस फोन में। और इसी के साथ साथ मैं अगर बात करूँ इसके प्रोसेसर की तो उसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 425 यूज़ किया हुआ है। दोस्तों ये एक डुअल सिम फ़ोन है जिसमें एक 4G और एक 3G सिम आप लगा सकते हो। ये डुअल वोल्टेज फ़ोन नहीं है तो इसमें आपको दो सिम आप नहीं लगा सकते 4G वाले। या अगर जो लोग सोच रहे होंगे कि आप जियो का 200 SIM लगा सकते हो तो इसमें वो पॉसिबल नहीं है। और इसी के साथ साथ आपको एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है इस फ़ोन में, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा इस फ़ोन का। और इस फ़ोन में आपको 3000 mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा इस फ़ोन में। और दोस्तों अगर मैं इस फ़ोन के प्राइस की बात करूँ तो इस फ़ोन का प्राइस है 4500 रुपये। 4500 रुपये में आपको ये फ़ोन MI के वेबसाइट पे मिल जाएगा और इसके साथ ही साथ फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा 22 मार्च से, मतलब होली के नेक्स्ट डे से ही आपको ये फ़ोन फ्लिपकार्ट की साइट पे देखने मिल जाएगा। प्राइसिंग मुझे थोड़ी सी हाई लग रही है, थोड़ा सा प्राइस अगर कम किया होता तो शायद मुझे लगता है कि मार्केट में काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिलता MI को इस फ़ोन का। दोस्तों मैं Redmi Go के बारे में बताऊं कि Redmi Go का फ़ोन का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें आपके जो ऐप्स होते हैं काफ़ी, उसके जो साइज़ होंगे काफ़ी कम साइज़ पे होंगे, इसलिए उसका इंटरनल स्टोरेज जो 8 GB है वो भी सफिशियंट होगा, क्योंकि जो ऐप्स हैं काफ़ी रिड्यूस करके आपको मिलने वाले हैं। मतलब अगर आपको Gmail का ऐप है अगर वो 20-25 MB का है तो इस फ़ोन में आपको 5 MB का ही देखने मिलेगा। तो इसकी वो ऐप्स के जो साइज़ होते हैं काफ़ी रिड्यूस किए हुए हैं इस Redmi Go के फ़ोन में। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इसे कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। शुरुआत करते हैं कुछ अच्छी बातों से। तो इस फ़ोन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें 3000 की आपको mAh की बैटरी मिलती है। तो 3000 की mAh की बैटरी इस फ़ोन में आपको देखने मिल रही है इस प्राइस रेंज में, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा ये फ़ोन लेने में। दूसरा पॉइंट होगा कि इसमें आपको नॉइस कैंसिलेशन सेकेंडरी माइक मिलता है, जो कि ये प्राइस सेगमेंट में आपको अलग फ़ोन या अलग ब्रांड में देखने नहीं मिलेगा। और तीसरा एडवांटेज होगा इस फ़ोन का कि इस फ़ोन में आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड मिलता है, मतलब लेटेस्ट एंड्रॉयड 8.1 ओरियो मिलता है। तो ये बात हो गई कुछ इसके अच्छी बातों की। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स की जो मुझे पर्सनली अच्छे नहीं लगे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पॉइंट होगा कि इस फ़ोन में आपको जो फ़ोन की बॉडी है वो प्लास्टिक बॉडी देखने मिलेगी, पॉलीकार्बोनेट की प्लास्टिक बॉडी है, शायद अगर मेटल होता तो काफ़ी अच्छा होता। दूसरा पॉइंट होगा कि इस फ़ोन में आपको जो प्रोसेसर है में आपका डेली यूज़ हो सकता है, मतलब आप उसमें यूट्यूब फेसबुक चला सकते हो, लेकिन आप इसमें इस फ़ोन में गेम नहीं खेल सकते। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होगा मेरे हिसाब से इस फ़ोन का। और तीसरा पॉइंट होगा इसकी प्राइसिंग, अगर प्राइसिंग थोड़ी कम होती तो बहुत अच्छा होता। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो एक लो बजट फ़ोन लेने का तो ये फ़ोन आई थिंक परफेक्ट होगा आप लोगों के लिए। आप अगर अपने मॉम डैड के लिए कुछ ऐसा गिफ्ट करने का सोच रहे हो, जो लोग फ़ोन यूज़ नहीं करते और स्मार्टफोन की दुनिया में आना चाहते हो, तो उनके लिए ये फ़ोन परफेक्ट होगा। तो दोस्तों यही सब डिटेल्स से, स्पेसिफिकेशन से और मेरी तरफ से सारी अपडेट थी Redmi Go फ़ोन के बारे में। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जो लोग हैं हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसी के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें जिससे सारी वीडियोस के अपडेट उनको आते रहे। तो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय बाय। दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हो कि आज मैं कैमरे के सामने नहीं हूँ तो क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट आपके लिए रोज़ के रोज़ अपडेट करना, नए नए वीडियोस बनाना ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो इसलिए कुछ भी हो आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और चाहे हैप्पी गाइड फैमिली को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके लिए आपको 1 भी रुपये नहीं देने।
मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।